ये लाइट को माउंट करना इज नॉट दैट डाइसी, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है. हो गया. सो नाउ अभी ये ऑन है, इधर कैमरा है, एंड नाउ द बैटरी है. मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट नोटिस में एंड कर दिया था, एंड द रीज़न वॉज दैट मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था बिकॉज ऑफ माई फ़ोन. तो मेरे फ़ोन में हुआ ये है कि द गाय टोल्ड मी, मैं पूरी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ, थोड़ा हिंदी में बोलूँगा ताकि कनेक्शन रहे. सो उसने बोला कि मैंने सैटरडे को उसको फ़ोन दिया, जैसे मैं अहमदाबाद आया आई जस्ट वेंट टू द शॉप और मैंने उसको फ़ोन दे दिया, एंड ही वॉज लाइक आपको फ़ोन मंडे या ट्यूजडे तक मिल जाएगा बिकॉज संडे को सर्विस सेंटर बंद होता है मोटोरोला का. आई वॉज लाइक ओके नो प्रॉब्लम. मुझे पता था कि वो फ़ोन मुझे मिलने नहीं वाला. तो ही टोल्ड मी कि संडे को सब बंद होता है और मंडे को ही स्टार्ट वर्किंग ऑन माई फ़ोन. तो मैंने, मुझे लगा कि अच्छा है इफ़ ही वर्क्स ऑन द फ़ोन. तो मैंने मंडे सुबह को फ़ोन किया उसको कि दिया कि नहीं फ़ोन सर्विस सेंटर में. तो ही वॉज लाइक मैं दोपहर को दूंगा क्योंकि अभी मैं बहुत काम में हूँ. उसको बोला ठीक है. फिर मैंने दोपहर को फ़ोन किया तो ही वॉज लाइक मैं शाम को जाऊँगा. मुझे पक्का पता चल गया मैं शाम को जाऊंगा क्योंकि अभी भी मैं बहुत बिजी हूँ. मैं बोला नो प्रॉब्लम. फिर मैं शाम को खुद बाहर था, मतलब मैं बाहर से अंदर आ रहा था बिल्डिंग में, और मैंने उसको देखा जो रिस्पॉन्सिबल था मेरे फ़ोन को रिपेयर करने के लिए. मैंने उसको देखा तो उसने मुंह पलट लिया. फिर आई टोल्ड हिम हिज नेम इज़ सुनील. मैंने उसको बोला सुनील मेरा फ़ोन किधर है. सो ही वॉज लाइक फ़ोन तो नहीं हुआ है, यू कैन टेक इट बैक क्योंकि अभी 5 दिन सब बंद है. मन तो इतना कर रहा घूसे मार गया ऊपर, नहीं कर सकता क्योंकि पहचान वाला है तो कुछ नहीं कर सकते. सो आई वॉज लाइक मैंने एक टॉक विथ माई डैड अबाउट इट, मतलब जो मेन ओनर है शॉप का ही टोल्ड मी कि फ़ोन इधर 1 महीना रखना पड़ेगा. तो आफ्टर द 5 डेज वैकेशन हम लोग फिर से काम करना चालू करेंगे मदरबोर्ड पे. और कोई 1 महीना उसने पहले मेरे को बोला है और ऊपर से मुझे बोल रहा है कि अगर मदरबोर्ड पे काम करना पड़ेगा तो फ़ोन हो जाएगा, पर अगर पार्ट्स डालने पड़ेंगे तो आई विल गिव यू द फ़ोन बैक. अभी 5 दिन के बाद तो मैं इधर हूँ नहीं बिकॉज आई एम लीविंग फॉर मुंबई ऑन अबाउट फ्राइडे और सैटरडे, आई डोंट नो. तो बाद में तो मैं हूँ नहीं, तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये लोग मेरे फ़ोन का जो करेंगे. तो मोटो G5S Plus वॉज अ ग्रेट फ़ोन, शायद अभी मुझे कभी लाइफ में वो फ़ोन यूज़ करने नहीं मिलेगा. और वीडियोज़ बनाने में भी थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो शायद मेरे व्लॉग्स अभी तो आ रहे हैं कंसिस्टेंट. अभी मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, सो आई एम शूटिंग वीडियोज़ ऑन द OnePlus, फिर मैं मोटो G5S में ट्रांसफ़र करता हूँ जेंडर से, उसमें एडिट करता हूँ, एंड देन फ्रॉम दैट फ़ोन आई अपलोड. तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, SD कैम से भी बराबर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है बिकॉज ऑन द मोटो G5S, क्योंकि उसकी द वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी इज़ नॉट दैट ग्रेट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ ये सब होता रहता है. बट देन इट वॉज रियली अ ग्रेट फ़ोन, ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं हुआ तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो पहले से है. बट देन द फ़ोन वॉज ग्रेट, मतलब कोई और फ़ोन है मुझे जमता ही नहीं है उसके सिवा यूज़ करने के लिए बिकॉज द फ़ोन वॉज फास्ट, उसका चार्जिंग एंड ऑल वॉज जस्ट नेक्स्ट लेवल. बट बहुत लोगों ने मुझे ना भी बोला था कि मोटोरोला का फ़ोन मत ले प्रियम, तू ये फ़ोन ले, माई फ्रेंड देवर्ज. फिर बहुत लोगों ने बोला था डोंट बाय दैट फ़ोन, बट आई शिल वेंट फॉर द फ़ोन बिकॉज मोटोरोला था अर्लियर. मोटोरोला वॉज अ ग्रेट कंपनी, जब से लेनोवो ने उसके अंडर में लिया है तो द फोन हैज़ द कंपनी हैज़ जस्ट रूइंड द फोन्स. मतलब G5 ले लो, G5S ले लो, G5S Plus ले लो, कोई भी फ़ोन ले लो, ऑल द फोन्स आर जस्ट सिमिलर, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है. फिर भी 2-4 हज़ार का प्राइस डिफरेंस रख के वो लोग फ़ोन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल. बट नो प्रॉब्लम. या नाउ आई एम गोना टेक दिस डाउन, इसको मैं नीचे लेके जाने वाला हूँ अभी बिकॉज सिंस अ लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट टच दिस. मैं जब से शायद अहमदाबाद आया हूँ मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि मैंने पहले वो साइकिल ग्रीन वाली साइकिल चलाई UTH, तो फिर वो चला रहा था तो मैंने इसको हाथ नहीं लगाया. शायद रात को हम लोग राइड करेंगे. आई टॉक विथ माई फ्रेंड्स, वो लोग दोनों आने वाले हैं, देवर्स एंड प्रियांशु. सो वी थ्री आर गोना राइड टुडे. थोड़ा मतलब इतनी भी बड़ी राइड नहीं होगी, एक राउंड मार के आएंगे बड़ा वाला, थोड़ा 10-12 किलोमीटर. सो दैट्स द रीज़न आई एम टेकिंग दिस राउंड. इधर मेरा टैंक पैड आएगा, लाइट आएगी, हैंडल बार माउंट आएगा, रियर लाइट, हवा थोड़ी भरनी है, धोना भी है. सो बहुत काम है आज. सीट भी लेने जाना है, पहले सीट लेने जाऊंगा मैं, अभी नहीं जाऊंगा, दोपहर को जाऊंगा. सो लेट्स गो डाउन, पहले इसको धोते हैं, हवा भरेंगे, एंड विल डू द थिंग. सो लेट्स गो.
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो नाउ एज यू कैन सी मैं इसको बाहर तो लेके आ गया हूँ, बट देन अभी लिफ्ट में लेके जाने के लिए थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, बट देन आई एम ट्राइंग बिकॉज ये लिफ्ट थोड़ी छोटी है एंड देखते हैं, बिकॉज दिस इज द ओल्ड लिफ्ट, दिस वन इज द ओल्ड लिफ्ट, ये वाली एंड दिस इज द न्यू लिफ्ट। सो क्या होता है, ओल्ड लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो ओल्ड लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो उसमें साइकिल आ जाती है, देखते क्या करना है। ऐसे तैसे करके आई फाइनली बॉट इट डाउन, अभी इस पर हैंडल वर माउंट, लाइट का माउंट एंड एवरीथिंग आई हैव टू इंस्टॉल, हवा भरती थी ऊपर ही, अभी इसको धोना भी है थोड़ा सा, आई हैव टू वॉश इट, बहुत सारा काम है। और ब्रेकिंग थोड़ा इसका डाइसी हो गया है, मतलब बराबर ब्रेक नहीं लग रही है, तो शायद ब्रेक पैड्स भी चेंज कराने पड़ेंगे, हर बार का प्रॉब्लम है ये, 200-300 डालने ही पड़ते हैं ब्रेक पैड्स में। अभी देखते हैं व्हाट टू डू, इधर भी सब निकल गया है, यू कैन सी थिंग्स सब कुछ बराबर नहीं है, ये बहुत नीचे चला गया है, तो मेरे को एलन की से ये ब्रेक्स को भी थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। एंड या थोड़ा तो परफॉर्मेंस अच्छा है, ये पहले जैसा ही परफॉर्मेंस है, तो एक एक 10-12 किलोमीटर के लिए तो इट्स ओके, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता। या ओके तो काम चल, सप्लाई होने वाली है मेरी नहीं साइकिल की, तो स्टार्टिंग वन प्लस साइकिल ऑल द बेस्ट। तो जैसा डोर की मैं बताने वाला हूँ कि हम हाउ आई एम गोइंग टू इंस्टॉल द माउंट्स एंड स्टफ, सो मैं रियर लाइट फायरफॉक्स की, दिस इज़ माय फ्रंट लाइट, दिस इज़ द सिग्मा बस्टर 100 एंड ये माउंट है रियर लाइट का, ये माउंट है फ्रंट लाइट का, ये लाइट हैंडल बार माउंट पे भी लग सकती है, इट हैज़ अ स्पेशल माउंट जो मैंने घर पे रखा है, एंड फर्स्ट वील बी माउंटिंग द फ्रंट लाइट एंड देन द रियर लाइट। ये हैंडल बार माउंट लगाना इज़ रियली रियली वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें, ऑल यू हैव टू डू इज़ इसके साइज़ के हिसाब से उसको एडजस्ट, तो मैं इसको थोड़ा और लूज़ कर दूंगा सो दैट आई कैन एडजस्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़, मैंने इसको और थोड़ा इतना लूज़ कर दिया एंड आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट, एज यू कैन सी ये पार्ट मैं निकाल दूंगा सो दैट द माउंटिंग विल बी रियली वेरी इजी, तो मैंने ये निकाल दिया है, सो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट डू दिस। तो अभी मैंने ऐसे इसको लगा दिया है, नाउ आई एम गोइंग टू इसको पहले टाइट कर, एज यू कैन सी इसको मैंने टाइट कर दिया है, नाउ दिस स्क्रू हैव टू इंस्टॉल, ये स्क्रू को एज यू कैन सी दिस स्क्रू, अब ये स्क्रू को इधर डालना है, तो इसको थोड़ा और मुझे ऐसा निकालना पड़ेगा सो दैट आई कैन इंस्टॉल इट ईजीली, सो नाउ ऑल हैव टू डू इज़ वायर को थोड़ा नीचे लेके, सॉरी रियली सॉरी, वायर को थोड़ा नीचे लेके, सो आई हैव टू रिमूव दिस अ बिट मोर, क्या यार ओके, सो दिस इज डन नाउ, इसको बस अभी मुझे फिट करना है एंड आई एम रेडी टू रॉक। हियर्स माई फ्रंट लाइट का माउंट है इधर, तो इसको भी सेम है हैंडल बार माउंट जैसा ही है, इसको थोड़ा ऐसा मुझे निकालना पड़ेगा लाइक दिस, सो नाउ इट इज़ आउट, ये ग्रिप का ध्यान रखना पड़ता है, दिस ग्रिप इज़ द मेन क्योंकि ये पकड़ के रखता है लाइट को, तो मुझे इसको ऐसे लगाना है एंड दिस इज़ द वे द लाइट विल बी गोइंग, और बस इट्स नॉट दैट डाइसी, और ये जो स्क्रू है इसको लाइक दिस आई सपोज, हाँ ऐसे ही है, इसको थोड़ा ऐसे, एंड या वेयर डन, ये ऑन है, इधर कैमरा है एंड नाउ द बैक लाइट, वी आर गोइंग टू माउंट दिस रियर फायरफॉक्स लाइट एट द बैक ऑफ द सीट, और यहाँ से स्क्रू डालना है, दिस इज़ हाउ माई रियर लाइट इज़ लुकिंग, इसमें भी तीन मोड्स है, इसमें भी तीन मोड्स है, द सेकेंड मोड एंड दिस इज़ अ नॉर्मल थर्ड मोड और फोर्थ मोड में ऑफ हो जाता है, जो आई प्रेफर कीपिंग इट ऑन द फर्स्ट मोड, एंड दिस इज़ माई फ्रंट लाइट, ये चालू ही है, इसमें शायद करीब करीब चार मोड्स है, दिस इज़ द ब्राइटेस्ट मोड, ये थोड़ा कम ब्राइट है, दिस इज़ द लोएस्ट ब्राइटनेस, और ये ब्लिंक होता है, दिस इज़ द फास्ट ब्लिंकर एंड दिस इज़ द SOS ब्लिंकर, इट ब्लिंक्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डार्कनेस और ये नॉर्मल मोड एंड इट टर्न्स ऑफ समथिंग लाइक दिस, पर ऐसे कैम तो आप लोगों को पता ही है, लेजेंड है ये। दिस वॉज माई वीडियो रिगार्डिंग माई लाइट्स फ्रंट बैक, सब मुझे बताना था बहुत टाइम से, मुझे बराबर मुंबई भी टाइम नहीं मिल रहा था,
तो इसके लिए मैंने ये वीडियो में बता दिया माय फ्रंट एंड रियर लाइट्स इंस्टॉलेशन माउंट्स और वो सब. सो आई गेस इट वाज ग्रेट. ओके, सो नाउ यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि लाइट्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, लाइट्स लगाना इतना ज़रूरी क्यों है. बट द मेन रीज़न दैट आई पुट ऑलवेज लाइट्स ऑन माई साइकिल इज़ दैट आगे से अगर जब आप जाते हो रास्ते पे, जब पूरा अंधारा होता है तो थोड़ा रास्ता भी दिख जाता है और सामने वाले को एक आइडिया आता है कि एक साइकिल वाला लेके आ रहा है. और जब पीछे की लाइट में भी वही सेम सीन है कि अगर पीछे वाला कोई है तो उसको पता चलेगा कि आगे कोई साइकिल लेके जा रहा है. सो दैट्स द मेन रीज़न दैट आई हैव दीज ऑसम लाइट्स. पीछे की लाइट का प्राइस है कुछ 400 to 500 रुपीज़. वो फायरफॉक्स की है, सेल पे चलती है. आगे की सिग्मा बस्टर 100 है, वो कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है, अराउंड 1800 to 2000 रुपीज़ में आती है. वो आई बॉट दिस फ्रॉम रेवोल्यूशन एज वेल. और वो चार्जिंग पे चलती है, मतलब यू हैव टू चार्ज इट टू यूज़ इट. और उसका मैक्सिमम अगर आप एकदम हाईएस्ट पावर पे चलाते हो तो इट वर्क्स फॉर अराउंड 12 to 14 आवर्स एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग. सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट आई ऑलवेज इंस्टॉल लाइट्स ऑन माई साइकिल्स एंड इट बेनिफिट्स अस इन वेरी डिफरेंट वेज. सो इट्स अ सेफ्टी फीचर एज वेल. सो या बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में. अब की कमी जरा है, हर चीज खास है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है. अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत. अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है.